Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision of chapter number 12, ratio and proportion, and today we are going to start chapter number 13, that is symmetry, and today we will do revision first and we will discuss the contained figures with line of symmetry. So students, let us see. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि symmetry क्या होती है. जब हम किसी object को two equal parts में divide करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो लाइन सिमेट्रिकल लाइन कही जाती है. ठीक है, जैसे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन एल वन आर एल टू. ये आपका ऐसे नहीं है, ऐसे है एल वन आर एल टू. आपको जो ये फिगर दिया है इसमें कौन सी लाइन है जो मिरर लाइन है, या आप कह सकते हैं कौन सी लाइन है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो जो लाइन इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या कह सकते हैं वही मिरर लाइन होगी. अगर आप बात करिए एल वन लाइन की, तो एल वन लाइन देखिए ये इधर का पार्ट हमारा इतना है, एल टू हमारा ये पार्ट है. तो अगर एल वन और एल टू को कंपेयर करो तो क्या दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं? नहीं. और अगर सिमेट्री की एक क्वालिटी और होती है कि अगर दोनों पार्ट को एक दूसरे पे रखोगे तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को कवर करेगा. देखो अगर ये इस पे रखोगे तो ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, बिल्कुल सिमिलर ही नहीं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता है. कौन सी लाइन? एल वन. एल टू की अगर बात करो तो इतना ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हाफ, बिल्कुल सेम ये भी ऑब्जेक्ट हमारा है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है? इक्वल है. तो एल टू क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. क्यों? क्योंकि L2 जो है ये पूरे फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो आपसे पूछा था विच वन इज मिरर लाइन, सो हियर L2 इज मिरर लाइन ऑफ द फिगर. व्हाट यू विल राइट हियर? यू विल राइट दैट L2 इज द मिरर लाइन ऑफ द फिगर. फिगर कौन सा है? ये फिगर. ठीक, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है. आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट. आपको जो शेप्स दिए गए हैं उसमें फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिकल होंगे या फिर नहीं. सिंपल सी बात है कि अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो और वो फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो फिगर हमारा सिमेट्रिकल होगा. जैसे देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये देखिए ये जो हमारा लॉक है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसलिए ये क्या है? यस, इट इज अ सिमेट्रिक फिगर. ठीक, इट इज अ सिमेट्रिक फिगर. फिर बी में देखिए आपको क्या लगता है कि ये हमारा सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं है? इस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. यस, वी कैन ड्रॉ अ लाइन हियर. अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें तो ये हमारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक फिगर. आपको बताना है यहाँ पे लिखना है यस इट इज अ सिमेट्रिक फिगर. ठीक है, ऑप्शन सी में क्या आप ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे ये सिमेट्रिक फिगर बन जाए? अगर आप इस ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा. तो यहां क्या लिखोगे? नो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक फिगर. अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी आप खुद से करिएगा. यस इट इज अ सिमेट्रिक फिगर. लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिएगा बीच से. ई वाला देखिए, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक फिगर क्योंकि आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. एफ वाले में देखिए,
बी से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक फिगर होगा। ठीक है, तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिएगा, ये है या नहीं, यस नो में आप अपना आंसर राइट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। आपको इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। 4.5 का तो इसका हम हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो 2.25 करके आएगा। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, नेम देते हैं हम L1। ठीक, इसके बाद हम बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये कौन सी हो गई, L2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक, ये हमारा डायगोनल से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा L3 और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा L4। सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री यू गॉट हियर, यू गॉट हियर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आप ऑप्शन बी में देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी, एक आपको यहाँ से मिलेगी बी से, दिस इज L1, एक आपको यहाँ से मिलेगी, दिस विल बी L2। आपको एक डायगोनल से मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा L3, 1, 2, 3 और एक हमारा इस डायगोनल से मिल जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल गई बेटा, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए इसको राइट करते हैं L4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, हियर यू गॉट 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, नीचे स्पेस नहीं है, हम ऊपर राइट कर देंगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलिए ऑप्शन सी में देखिए, सी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, आप खुद से करिएगा। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से मिलेगी, फिर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से मिलेगी, और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है L1, L2, L3, L4 आप राइट कर लीजिएगा। मान लीजिए दिस इज L1, L2, L3, L4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल गई, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन डी देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे हॉरिजेंटल, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं, बिल्कुल हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ नहीं होगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए ई वाला देखते हैं, ई वाले में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, ये हमारा फर्स्ट हो गया, फिर यहाँ से एक ड्रॉ होगा बिल्कुल सेंटर में जाएगा, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, दिस विल बी L2, L1, L2, फिर हम लोग एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं, दिस इज L3, एक हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस कॉर्नर से, तो ये हो जाएगा L4, और एक हम लोग इसके बीच से ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो ये हो जाएगा L5,
और एक हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसके बिल्कुल मिडल से, तो ये हो जाएगा L6। सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री यू गॉट? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है, इसमें मैं बता दे रही हूँ आपको 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, लेकिन आपको खुद ढूंढना कि कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। एक आपका यहाँ से हो जाएगा, एक आपका यहाँ से हो जाएगा, एक आपका यहाँ से हो जाएगा, और एक आपका यहाँ से हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से। तो आप खुद से समझ करके करिएगा, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जी वाले में देखिए, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो आप क्या राइट करोगे? नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एच वाले में इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप इसमें भी राइट करोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आई वाले में आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। एक आपको यहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल देखो ये फिगर आपको सही से क्लियर दिख नहीं रहा है ना, तो ये बुक में आपको फिगर दिया गया है, जो सिमेट्री वाला चैप्टर है ना, 14 चैप्टर होगा, तो जो है उसमें ये 13 चैप्टर है, तो उसमें 13.2 वाली एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन दिया है। अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको फिगर को, तो वहाँ से देख लीजिएगा। एक यहाँ से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद सेकेंड वाला आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सेकेंड वाला यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, दिस विल बी द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया, और इधर से हम ड्रॉ कर देंगे L3, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से ये होके पास होगा, तो ये होगा L3। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल मिडल से होके जाएगा, इसको आप सही से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्री। आपको जो L लाइन है यहाँ पे, ये हमारी लाइन L है, देखिए ये फिगर है हमारा, इसमें ये लाइन L है, और ये जो हमको फिगर दिया है बेटा, इसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक। तो कोई भी फिगर हमको कंप्लीट करना है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिया गया है, तो हम जितना यहाँ पे है लाइन, उतनी लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमारा है 2 पॉइंट, यहाँ से मेजर करते हैं 2.1 करके हैं, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं 2.1 तक। अब जैसे उसने वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, बिल्कुल सेम हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे ही, तो ये फिगर हमारा क्या बन जाएगा? एक सिमेट्रिक फिगर बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे L क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शेप। रफ फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होगी। अगर स्क्वायर है तो आपको कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? देखिए स्क्वायर हमारा क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स क्या होती, इक्वल होती हैं, और 4 एंगल्स हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर हमने, देखिए मेरे पास स्पेस बहुत कम है तो मैंने छोटा सा बनाया, आप अच्छे से बनाइएगा बड़ा सा, 4 जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है बेटा? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। एक यहाँ से जाता है, एक यहाँ से जाता है, एक यहाँ से जाता है, और एक यहाँ से जाता है, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? 4। रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिएगा, मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन में 3 अलग अलग साइड होती हैं, मतलब 3 इक्वल नहीं होती हैं, और इक्विलैटरल में 3 इक्वल होती है, आइसोसेलेस में 2 इक्वल साइड्स होती हैं। तो जब 2 साइड्स इक्वल रहेंगी तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है और उसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये कुछ उससे थोड़ा ज़्यादा है मान लो, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये चीज़ आप ड्रॉ करिएगा, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। अब आप रोम्बस ड्रॉ करिए, तो रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स तो इक्वल होती है, बट जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। तो देखिए एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी हो गई और एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी हो गई, तो रोम्बस में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री मिलते हैं? 2। सर्कल में, सर्कल में तो आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। आप यहाँ पे
सर्कल ड्रॉ करिएगा और उसमें ढेर सारी लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो कौन सा ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो आप यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करिएगा बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है ना क्या होता है? टू साइड्स इक्वल होंगी और जो थर्ड साइड होगी वो अनइक्वल होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया 4-4 का और ये 5 का ड्रॉ कर दिया तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? 1 मिलेगी। फिर एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, देखो ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होता बेटा जिसमें एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिले। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे? नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सी वाला देखिए, एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री किस ट्राइंगल में होती है? यू नो दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आप इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ड्रॉ कर सकते हो ना कि जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। तो आप मान लीजिए आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया 3-3-3 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल है तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। और आपसे पूछा एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, यस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विच ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल विच इज हैविंग थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है। लाइन L1 L2 L3 आप राइट कर दीजिएगा। फिर ऑप्शन डी, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस, ठीक है। आपको सारे फिगर्स में फिगर भी, जितने भी ऑप्शन दिए फिगर भी ड्रॉ करना है। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होता है? स्केलन ट्राइंगल में होता है बेटा। तो स्केलन ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो ना, जैसे कि देखिए हम एक स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके लिए। जैसे ये हमारा एक स्केलन ट्राइंगल है जिसमें ये साइड हमारी 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए तीनों साइड अनइक्वल है, या इसको 4 मान लीजिए, तीनों साइड अनइक्वल है तो ये कैसा ट्राइंगल होगा? स्केलन ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस वी कैन ड्रॉ अ स्केलन ट्राइंगल विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।